बिचौलिए का जो धंधा करते थे और बिचौलिए को अब धंधा खत्म हो रहा है उनका मंदा होने जा रहा है अरे उनको कृषि कभी किए हैं क्या वो कभी जीवन में जानते हैं कि कहाँ से धान होता है कहाँ गेहूँ होता है कौन समय कब होता है कि उनकी नज़रिया जो है पहले वाली नज़रिया है उनको पंद्रह साल पहले भी जो नज़रिया थी वही नज़रिया से वो देखते हैं हम कहते हैं कि दर्द मेरा है तो उनको क्या चीज़ का दर्द हो रहा है मेरा विस्तार कब होगा क्या होगा नहीं होगा हमको तो विपक्ष के बारे में चिंता ही नहीं होती क्योंकि उनको तो मैंडेट मिला नहीं है आप अपने बारे में चिंता कीजिए एनडीए को पूरा बहुमत मिला है और बहुमत की सरकार थी नमस्कार आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ मैं हूं आपके साथ सौरभ राज मेरे साथ है बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी इनसे जानेंगे कि जिस तरीके से लगातार बिहार में विपक्ष कानून व्यवस्था और नए मंत्रिमंडल को लेकर के सवाल उठा रहे हैं कब तक सरकार के तरफ से जवाब दिया जाएगा मैम लगातार विपक्ष के द्वारा कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अब कानून व्यवस्था नीतीश कुमार के वश की बात नहीं है देखिए सबसे बड़ी बात है कि उनकी नज़रिया जो है पहले वाली नज़रिया है उनको पंद्रह साल पहले भी जो नज़रिया थी वही नज़रिया से वो देखते हैं ये नज़रिया बदली है ये भी नहीं मार्क्स नाइन्टी फाइव वाला और अभी देखिए पंद्रह साल बाद ठीक है छोटी मोटी घटनाएं हो रही है उसको भी हमारे प्रशासनिक अफसर हैं प्रशासन के लोग हैं हम लोगों की भी चिंता है उसके लिए का काम चल रहा है लेकिन इतना तो जरूर है कि हम बहू बेटी बहन सब रात भर चलते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं होती है छिटपुट घटनाएं हो रही है उस पर हम लोग निश्चित रूप से अनुशासनिक कार्रवाई सब पर हो रहा है और हमारे प्रशासन लगा हुआ है उसको काम करेगा उसका दायरा है वो अपना काम करेगा और हम कहते हैं कि दर्द मेरा है तो उनको क्या चीज़ का दर्द हो रहा है मेरा विस्तार कब होगा क्या होगा नहीं होगा हमको तो विपक्ष के बारे में चिंता ही नहीं होती है क्योंकि उनको तो मैंडेट मिला नहीं है और ना कोई काम का ध्यान है उनको तो ये होना चाहिए कि बिहार का विकास किस तरह से हो हम चिंता करते हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ है तो मेरा काम कैसे हो हम कैसे किसानों को आगे बढ़ा सकते हैं और इनकी चिंता है कि भैया क्राइम हो रहा है इनकी चिंता हो रही है कि जो है इनका विस्तार कब होगा अरे माइंडेड लाने की कोशिश करो बिहार का विकास के लिए अगर चिंता करोगे तो कोई भी क्राइम नहीं होगा आप अपने बारे में चिंता कीजिए एन को पूरा बहुमत मिला है और बहुमत की सरकार चली नए कृषि कानून को लेकर के तेजस्वी यादव आर लगातार विरोध कर रहे हैं अपने अपने कार्यालय पे गोष्ठी बना करके किसानों को ये बता रहे हैं कि नए कृषि कानून किसान के हित में नहीं है अरे उनको कृषि कभी किए हैं क्या वो कभी जीवन में जानते हैं कि कहाँ से धान होता है कहाँ गेहूँ होता है कौन समय कब होता है ये बिचौलिए का जो धंधा करते थे और बिचौलिए को अब धंधा खत्म हो रहा है उनका मंदा होने जा रहा है तो इनके मन में भाव लग रहा है कि जो बिचौलियाँ इनको पैसे पहुँचाते होंगे कहीं ना कहीं से उनको ऐसा लगता होगा तो इसके लिए इनकी बेचैनी हो रही है लेकिन हमारे किसान खुश हैं चाहे अब तो हम तो कहें कि हमारे प्रदेश के किसान क्या जहाँ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है जहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है हर जगह किसान खुश है इसलिए किसान की चिंता नहीं है चलिए शुक्रिया मैम थैंक यू चलिए